श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बटुक भैरव साधना या फिर बटुक भैरव का बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र और तांत्रिक विधान मैंने बहुत बताए थे। इस सप्ताह मैंने आपको बोला था कि आपको देवताओं के जाप मंत्र बताऊंगा, उस श्रृंखला में मैंने महादेव का जाप मंत्र आप लोगों को बताया। आज मैं आपको बटुक भैरव का जाप मंत्र बताऊंगा। बटुक भैरव का जो जाप मंत्र आपको आज तक जिसने भी दिया होगा, आपने जहां से भी पढ़ा होगा, संभव है कि आपके पास बटुक भैरव का बीज मंत्र नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग क्षेत्रपाल के मंत्र का जाप करके, क्योंकि उस मंत्र में बटुक शब्द आप सुन सकते हैं। तो बटुक शब्द उस मंत्र में क्यों आया? क्योंकि महादेव ने जब भैरव बाबा का रूप लिया था, जो क्षेत्रपाल कहलाए भैरव, भैरव जी की स्थापना वहाँ होती है जहाँ भगवती की स्थापना होती है और उस क्षेत्र के वो पालक होते हैं। इसीलिए आप काशी के कोतवाल सुनते हैं। भैरव बाबा की उत्पत्ति की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि ब्रह्मा जी कभी बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए, उन्होंने खुद को महादेव के ऊपर बताया, तो क्रोध से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपनी कानी उंगली से ब्रह्मा जी के पांचवा जो सर था उसको काट दिया। उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, वो चारों तरफ घूमे, आके बनारस में बैठ गए। तो वो जो क्षेत्रपाल हैं, जो रक्षक हैं, वो उनका मंत्र आप सभी आज तक बटुक भैरव जी के नाम से जापते आए हैं। आज मैं आपको बटुक भैरव जी का वो मंत्र दूंगा जो वास्तविक रूप में उनका मंत्र है। हो सकता है कि आप में से 99% लोगों ने इस मंत्र को आज तक सुना भी नहीं होगा। इस मंत्र को करने से पहले आप ये समझ लेंगे कि भैरव बाबा का बाकी रूप भले ही आप उसको मांस मदिरा चढ़ाते हो, बटुक भैरव की साधना बहुत ही सात्विक रूप से होती है। ठीक है, बटुक भैरव के अलावा जितने भी भैरव है, जैसे कैलाश भैरव, विंध्याचल भैरव है, सकल सिद्ध भैरव है, चैतन्य भैरव है, सबका अलग अलग विधान है पूजा का। नित्य भैरव है, रुद्र भैरव है, भुवनेश्वरी भैरव है, अन्नपूर्णा भैरव है, त्रिपुरा बाला है, तो बहुत सारे भैरव हैं। तो हर भैरव का पूजा का विधान अलग है, लेकिन बटुक भैरव का जो पूजा होगा वो हमेशा पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से सात्विक होगा। बहुत बातों को घुमाते हुए नहीं, बटुक भैरव बाबा की पूजा का विधान मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आप लोगों को मैं मंत्र बता रहा हूँ, 3 बार मंत्र बताऊँगा, लिख लीजिएगा। अच्छा, ये भी एक विषय है, जब लिख के मंत्र देता हूँ तो मैसेज आता है कि गुरुदेव इसको एक बार पढ़ देते तो अच्छा रहता, और जब पढ़ के बताता हूँ तो फिर मैसेज आता है कि इसको लिख देते तो बढ़िया होता। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि ध्यान दें। आप में से जो नहीं समझ पाए वो लिखकर मुझे भेजे कि वो समझा क्या है, और उसके बाद मैं उसको शुद्ध करके उसको भेज दूंगा। बटुक भैरव का वो मंत्र जो रोज आपको जाप करना चाहिए, जो आज के बाद आप करेंगे, इस चैनल के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि कम से कम 96,000 फॉलोवर्स जो मेरे हैं वो बटुक भैरव का जाप शुरू करेंगे। और बटुक भैरव का जो सही मंत्र है वो बहुत सालों बाद भारत में फिर से जापा जाएगा मास लेवल पे। मंत्र सुनिए, डरलक सहम। बटुक भैरव का मंत्र 6 अक्षर का, फिर से सुनिए, डरलक सहम। एक बार फिर से सुनिए मंत्र को, डरलक सहम। ये मंत्र है बटुक भैरव का, यही मंत्र है बटुक भैरव का, और इसी मंत्र से भैरव जी की साधना शुरू करनी चाहिए। ऐसे तो तंत्र में बहुत चीज़ों को छुपा लिया जाता है, वैसे ही छुपी हुई विद्या में ये मंत्र है जो आज आपको दे रहा हूँ, और आप में से जो भी सुन रहे हैं ये इसको
जरूर जाप करिए रोज, 7 से शुरू कीजिए, 108 तक ले जाइए, रोज जाप करने का है। बटुक भैरव बाबा पर ध्यान करेंगे और उसके बाद इस मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र को जाप करने से कलयुग में जितना फल का प्राप्ति भैरव बाबा दे सकते हैं उतना फल का प्राप्ति कोई नहीं करवा सकता। बटुक भैरव बाबा की आप तस्वीर भी घर में लगा सकते हैं, उरद की चीज़ें उनको दीजिए, हाँ गुड़ का पानी दीजिए, तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, बाबा को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप लोग हमेशा जाप कीजिए। आने वाले सप्ताह में और भी देवताओं का मैं आपको बीज और गुप्त मंत्र दूंगा। अब आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188535। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4india.canada और USA के लोग मुझसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वेबसाइट www.aghortantrahasya.xyz। आज के लिए इतना ही। भैरव बाबा आप सभी पे कृपा बरसाते रहे, ऐसी मेरी उनसे कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।